हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैं हमारे यूट्यूब चैनल में, जो मेरे नाम से ही है। देखिए, हमने कल स्ट्रेटजी तैयार कर ली थी कि नेट के सिलेबस के लिए हम कैसे स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई। ठीक है, तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को पता नहीं था कि मतलब स्टार्ट हो गई है क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसलिए आज मैं सिर्फ एक जनरल इंट्रो दे रही हूँ। जैसे कल हमने नेट के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी, वैसे ही हम अपने सब्जेक्ट के लिए मतलब कि लॉ के लिए सेकंड पेपर के लिए हर एक यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक अलग रणनीति तैयार करेंगे। अलग रणनीति कहने से मतलब आपको सबसे पहले सिलेबस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जो दूसरे व्यूअर्स हैं मेरे, मैं उनको क्लियर कर दूं कि देखिए, जुरिसप्रूडेंस सिर्फ नेट का सिलेबस तो नहीं है। आप छत्तीसगढ़ पीएससी का मतलब देख लीजिए, सिविल जज का जो एग्जाम होता है यहाँ पे, वहाँ आपको जुरिसप्रूडेंस नहीं दिखेगा, लेकिन इसके अलावा एमपी है, झारखंड वगैरह है, यूपी है, ये सब में आपको जुरिसप्रूडेंस दिखेगा सिलेबस में। ठीक है, तो वहाँ आपको उसके लिए पढ़ना ही है। इसके अलावा एलएलएम सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे और एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बीएलएलबी के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, मुझे उसका थोड़ा कन्फ्यूजन है, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में जुरिसप्रूडेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप मतलब कि जो आपके सेमेस्टर में सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से भी अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं नेट का सिलेबस, उसमें आपके 75% सिलेबस जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको मतलब इस वीडियो स्टार्ट होने के पहले स्किप नहीं कर देना है कि ये नेट वालों के लिए है, एलएलएम के बाद वालों के लिए है, मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ये आपको नहीं सोचना है। तो स्टे विथ अस, मतलब पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर वो आपकी इच्छा है। तो देखिए, सिलेबस हम स्टार्ट करने के पहले देख लें कि हर यूनिट में आपको 10-10 टॉपिक दिखेंगे। ठीक है, तो जुरिसप्रूडेंस का मैं पहले डिस्कस कर लूँ, वैसे सिलेबस आपके पास होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर सीरियसली नेट क्लियर करना चाहते हैं तो आप में वो गंभीरता दिखनी चाहिए। आप जब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा देखें या किसी और चैनल का देखें, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, आपको जहाँ से भी ज्ञान मिले, जहाँ से भी आपको लगे कि आप नेट क्लियर करने के लिए मतलब उसको यूज कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, आप करिए। लेकिन आपको एक एक सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनानी है और स्टेप बाई स्टेप मतलब कि टॉपिक वाइज उसमें लिखते जाइए। ठीक है, जहाँ से भी आपको जैसा भी सिचुएशन ठीक लगे, लेकिन आप कॉपी जरूर बनाइए, उसमें लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देख के भूल जाएंगे कि बाद में क्या चीज बताई गई थी, क्योंकि ये आपके लिए शायद फर्स्ट होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जुरिसप्रूडेंस में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, विधि के स्रोत एवं प्रकार, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ लॉ। ठीक है, अब विधि शास्त्र की शाखाएं मतलब स्कूल्स ऑफ जुरिसप्रूडेंस, विधि और नैतिकता मतलब की लॉ एंड मॉरलिटी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अधिकार एवं कर्तव्य की संकल्पनाएं मतलब की कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। उसके बाद आपको लीगल पर्सनैलिटी भी पढ़नी है और संपत्ति स्वामित्व एवं कब्जे की अवधारणा, जो इसका 6th टॉपिक है, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्वामित्व, ओनरशिप एंड पोजेशन। उसके बाद ऑब्लिगेशन भी पढ़ना है, जो 8th, 9th एंड 10th वाला टॉपिक है, ये मतलब 2019 का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें इंक्लूड हुआ है, उससे पहले ये नहीं था। क्या है इसमें, विधि गरीबी एवं विकास, लॉ पुअर्टी एंड डेवलपमेंट, देन वैश्विक न्याय, ग्लोबल जस्टिस, और जो है आधुनिकतावाद एवं उत्तर आधुनिकतावाद मतलब कि मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो देखिए, जो 3 टॉपिक हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, इससे एकदम स्पेशली आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि गरीबी या फिर ये वैश्विक न्याय, आधुनिकतावाद क्या हो सकता है। आधुनिक पीआईएल की हम जो बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, लोकहित याचिका, ठीक है, ये हमको पहले तो नहीं दिखता था। इसके अलावा आप ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, एमसी मेहता के केस आने के बाद, एमसी मेहता ने ही एक नई विधि स्टार्ट की है, समझिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, मतलब जनहित याचिका कौन ला सकता है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की याचिका पे क्या कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए, भले ही वो उससे डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ ना हो उस इशू से। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी है। इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट है, हम थोड़ा मतलब अगर डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज है एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो किया है यहाँ पे विधि के स्रोत एवं प्रकार से, लेकिन उससे पहले आपको विधि को पढ़नी पड़ेगी, और जुरिसप्रूडेंस है तो व्हाट इज जुरिसप्रूडेंस ये भी आपको देखना पड़ेगा। भाई, आप जब तक स्वाति मैम को नहीं जानोगे, स्वाति मैम कहाँ रहती है, स्वाति मैम का नेचर कैसा है, ये तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। तो देखिए, लॉ या जुरिसप्रूडेंस, इसको आप पहले समझ लीजिए। तो जुरिसप्रूडेंस क्या बोलते हैं, नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, जुरिस प्लस प्रूडेंस, नॉलेज ऑफ लॉ। तो नॉलेज ऑफ लॉ कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसको ही आप स्टडी करते हो, किसमें, स्कूल्स ऑफ जुरिसप्रूडेंस में। ठीक है, क्योंकि देखिए, विधि क्या है, विधि एक माध्यम है,
आर्थिक एक मीडियम है जिसकी सहायता से राजा जो है या प्रशासक जो है वो प्रयास करता है, ठीक, सिर्फ वो प्रयास ही कर पाता है, वो अंतिम लक्ष्य को पा सक रहा है कि नहीं, ये तो उसका अगला जो इलेक्शन है उसमें वो आ रहा है कि नहीं चुन के, यही डिसाइड करेगा कि वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ, ठीक है। तो चूंकि देखिए जनता खुद ही उसको डिसाइड कर रही है कि वो मेरे ऊपर शासन करे ताकि क्या होता है कि शांति स्थापित कर सके समाज में और मुझे मेरे राइट्स प्रदान कर सके, दूसरे अगर कोई मेरे राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं तो वो उनको दंड दे, उनको और किसी तरीके से मतलब सजा दे, ताकि समाज में हर तरीके से जो अवांछित तत्व हैं या असामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनसे समाज हमेशा बचा रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो लॉ एक माध्यम हो गया जिसकी सहायता से राजा जो है अपने प्रजाजनों के आचरण को, व्यवहार को, क्रियाकलापों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, सबको करता है, एक समान शासित करता है सबको। अब जैसे आप लॉ में पढ़ रहे हैं कि मतलब जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ रहे हैं कि लॉ का नॉलेज ही जुरिस्प्रूडेंस है। देखिए आप अगर देखिए LLB अगर आप कर रहे हैं तो उससे पहले आपने कोई ना कोई ग्रेजुएशन कोर्स तो किया ही है, ठीक। तो उसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, राजनीति शास्त्र या फिर वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, तो ये जो लास्ट में शास्त्र जुड़ा है उसका मतलब ही है, शास्त्र का मतलब ही है कि उसमें आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा उस विषय से रिलेटेड A to Z, ठीक है। जो स्टार्ट मतलब जिसने कि कभी उस चीज को जाना नहीं है वो भी अगर उसको पढ़े तो स्टार्ट कर सकता है और आगे उसके सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को समझ सकता है, ठीक। तो उसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि 5 वीडियोस जो है जुरिस्प्रूडेंस के वो पहले से ही अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल में, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, प्लीज उसको विजिट करिएगा आप, ठीक है। क्योंकि मेरे जो पहले जो व्यूअर्स हैं जो उन 5 वीडियो को देख चुके हैं, अगर मैं फिर से वो डिस्कस करूं तो ऐसा ना हो कि मतलब स्पीड टॉपिक जो है आगे बढ़ ही नहीं रहा है, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा मेरे जो पुराने वीडियोस हैं जो स्टूडेंट्स के उसको, उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब पर्सनल या तो मैसेज करें या ग्रुप में मैसेज करें तो वहां उसको देखने से बेहतर होगा कि मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लूं कि किसकी क्या क्वेरीज है, ठीक है। तो देखिए जुरिस्प्रूडेंस को आप समझ गए, नियमों की एक व्यवस्था है तो वो नियम कैसे होने चाहिए ये सबको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑस्टिन की हम बात करते हैं पहले। ऑस्टिन का नाम सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि आप जब स्कूल्स भी पढ़े जुरिस्प्रूडेंस के तो उसमें सबसे पहले स्कूल हम एनालिटिकल स्कूल की डिस्कस करते हैं, विश्लेषणात्मक शाखा विधि शास्त्र की, ठीक। और उस विश्लेषणात्मक शाखा में भी सबसे अग्रगणी मतलब कि फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल अगर बोले तो वो कौन है, ऑस्टिन ही है, जॉन ऑस्टिन, ठीक। तो वो भी यही बोल रहे हैं मतलब कि लॉ क्या है कि उसमें कमांड भी होना चाहिए, कमांड किसका होना चाहिए, सॉवरेन का, ठीक है। देखिए अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति किसी चीज का आदेश दे रहा है तो उसको ऑर्डर बोलेंगे। जैसे एक सामान्य व्यक्ति भाषण दे रहा है तो वो सिर्फ स्पीच होती है, लेकिन वही कोई मतलब प्रेसिडेंट अगर स्पीच दे रहा है तो उसको स्पीच नहीं बोलते, एड्रेस बोलते हैं। या आपके किसी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट आए हुए हैं उनको एड्रेस करने के लिए बुलाया जाता है, स्पीच देने के लिए नहीं। तो वैसे ही है कि अगर सॉवरीन यानी कि संप्रभु, संप्रभु कहने का मतलब जो कि किसी भी मतलब बाह्य, किसी भी बाह्य मतलब बाह्य नियंत्रण में नहीं है, उसका खुद का शासन चल रहा है, वो सॉवरीन है, पूरी तरह से स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में सॉवरीन अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसको हम कमांड बोलते हैं, समादेश, ठीक। अब ये जो समादेश स्थापित किया जा, समादेश दिया जा रहा है सॉवरीन के द्वारा, उसमें क्या होती है, एक तरीके से ड्यूटी होती है, ड्यूटी ऑब्लिगेट की जाती है किस पे, प्रजाजनों पे। और उसके बाद अगर वो उस ड्यूटी को फुलफिल ना करें, उस ड्यूटी को वो फॉलो ना करें, तो उसके बाद उनको सैंक्शन यानी कि पनिशमेंट दिया जाता है। तो कहने का मतलब अगर आप सिर्फ मोनार्की सिस्टम की बात करें, कहने का मतलब मोनार्की मतलब कि राजतंत्र, अगर राजतंत्र में देखें तो सिर्फ एक तरीके से इसी को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी में देखें तो जो गवर्नमेंट 5 ईयर के बाद चुन के आ रही है तो वो भी एक तरीके से यही कोशिश करती है कि वो शांति स्थापित करे समाज में, और उसका जो कमांड है मतलब वो तो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ही लॉ को इन्फोर्स करा रही है, ऐसे मन मर्जी से कोई भी लॉ नहीं बना रही है, कोई भी लॉ को थोपा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो कोई लॉ बना रही है तो उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, वो मतलब तो समाज में हम मतलब जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था समाज में जाके वो उसी रूप में उसका क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक से इसी को देखना रहता है, ठीक। तो देखिए आगे और हम देखते हैं
अब देखिए इसमें सबसे पहले हम ये भी क्लियर कर लें, आप कोई भी टॉपिक ज्यूरिसप्रूडेंस का पढ़ें उससे पहले आपको उसकी इम्पोर्टेंस जाननी होगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस इसमें यही है कि देखिए आप लॉ को पढ़ रहे हैं, लॉ के इतने सारे बेयर एक्ट पढ़ लें, इतने सारे सिलेबस उसके पढ़ लें, लेकिन ज्यूरिसप्रूडेंस उसका आधार है, ठीक। जैसे कि आप समझिए कि ग्रामर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप किसी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। बोलना सीखना लिखना ये सारी चीजें ग्रामर पे डिपेंड करती हैं, ठीक। तो ज्यूरिसप्रूडेंस भी क्या है, एक तरीके से लॉ का ग्रामर है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि लॉ की उत्पत्ति कैसे हुई, लॉ को कैसे कैसे डिफाइन किया गया है अलग अलग विधि शास्त्रियों द्वारा, जूरिस्ट के द्वारा। उसके बाद ही आप खुद से मतलब खुद में इतनी एबिलिटी आएगी आपको कि आप क्रिटिसाइज कर सके कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है या कोई ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा वो सही है या नहीं। क्योंकि देखिए जो सिलेबस बनाया गया है ना नेट का, वो पूरी तरीके से आपको एक जिम्मेदार नागरिक एक जिम्मेदार प्रोफेसर बनाने के लिए है। अगर आप ये सोचते हैं कि नेट का फर्स्ट पेपर जो है वो सिर्फ पास होने के लिए है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि वो जो पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, चूंकि आप इस फील्ड में हैं तो आपको रिसर्च करनी ही है, रिसर्च करेंगे तो आपको मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिकल चीजें पता होनी चाहिए, वेन आरेख वगैरह हैं, जो भी डायग्राम्स हैं, डेटा का कलेक्शन कैसे होना है। हायर एजुकेशन से ही आप रिलेटेड हैं तो हायर एजुकेशन पढ़ना है आपको, प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपके लिए बहुत बेस है। जब तक टीचिंग एप्टीट्यूड को आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक क्लास में आप कमांड कैसे कर पाएंगे, मतलब क्लास तो आपसे खुश होगी नहीं। उसके अलावा मौजूदा समय में मतलब आईसीटी का प्रयोग तो हो ही रहा है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो आईसीटी का ही तो यूज है। तो इस वजह से आपको जो फर्स्ट पेपर है उसके भी सिलेबस समझने के लिए पढ़ना है, सिर्फ रटने के लिए या पास होने के लिए नहीं, ठीक है। तो देखिए ज्यूरिसप्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं, पुराने जो वीडियोस हैं उसको आप प्लीज जरूर देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है, अगर हम बोल रहे हैं नियमों की व्यवस्था है, तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हमको स्पष्ट रूप से किसी केस किसी एक्ट में नहीं दिखेगा। जैसे मैंने इसको डिस्कस भी किया था कि अगर हम बात करें कि कब्जा जो है स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है ना, तो ये चीज अगर मैं साबित करना चाहूँ न्यायालय में अपने मुवक्किल के अगर मेरा कोई मुवक्किल है, मेरा कोई क्लाइंट है, उसकी हैसियत से मैं साबित करना चाहूँ, उसके साइड से साबित करना चाहूँ कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, ये चीज जो ज्यूरिसप्रूडेंस में एक प्रिंसिपल है सिद्धांत मतलब कि स्थापित सिद्धांत है, उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ और उसी को मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे जो मुवक्किल हैं उनका मतलब कि कब्जा है उस जमीन पे, जो विवादित जमीन है इशू है जिस जमीन पे जिस प्लॉट पे उस पे मेरा जो मुवक्किल है वो ही कास्ट का भी चला आ रहा है, लेकिन इसको जबरन फंसाने के लिए सामने वाली पार्टी ने मतलब कि जो वादी है उसने जानबूझ के मेरे मुवक्किल यानी कि प्रतिवादी के खिलाफ वाद दायर कर दिया है कि उसको जमीन से बेदखल किया जाए। तो ये चीज अगर आपको न्यायालय में साबित करनी है तो आप इस चीज को ज्यूरिसप्रूडेंस के सिद्धांतों को तो लेंगे ही, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और उदाहरण डिस्कस किया था मैरिज का, ठीक है। हम जब सोर्सेस पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं तो वो आपको आर्टिकल 13 में भी दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन इसके अलावा देखिए जब हम बात करें कस्टम की तो कस्टम को ज्यूरिसप्रूडेंस भी मानता है कि वो लॉ का सोर्स है स्रोत है, ठीक। अब देखिए एक एग्जांपल ये है कि जो चीज पहले से चली आ रही है वो इसीलिए तो चली आ रही है कि उसको लोगों का समर्थन है। लोगों का समर्थन नहीं होता, देखिए पहले तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, है ना। लोग अपने हिसाब से किसी चीज को अनुसरण कर रहे हैं, नेचुरल मतलब नेचर से प्रकृति से अडॉप्ट कर रहे हैं कि प्रकृति ऐसा करती है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि मैं खुद प्रकृति का एक हिस्सा हूँ, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो जब सीख के देख के सीख के खुद ही अडॉप्ट करता है तो चूंकि उसने आत्मसात किया है उसको अनुसरण किया है बिना किसी बंधन के बिना किसी बाहरी दबाव के, तो वो चीज जो है ज्यादा लंबे समय तक चलेगी, ठीक। इस काम से क्या बोला जाता है कि कस्टम को सोर्स माना जाता है, क्योंकि कस्टम में अगर कोई बुराई होती तो वो कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी आदमी के द्वारा किसी किसी निकाय के द्वारा उसका विरोध किया ही जाता, तो वो उसको मतलब निरंतर पालन नहीं कर रहे होते अभी तक। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप मैरिज की बात करें तो मैरिज भी कस्टमरी मैरिज जो हो रहे हैं उसको भी लॉ का प्रभाव प्राप्त है ना। अब इस कारण से अगर कोई किसी मैरिज को जैसे कि हमारे आदिवासी अंचलों में हम देखते हैं बहुत सारे जैसे कि आपको छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए एक अपहरण विवाह होता है जिसको पाए तो सूर बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है मतलब कि
अपहरण किया जाता है, अपहरण करके भगाया जाता है लड़की को, उसके बाद फिर शादी होती है। मतलब मान लिया जाता है कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो उनके घर वाले राजी हो जाते हैं। अगर ये प्रथा उनमें चल रही है तो इस प्रथा के उलट और कोई शादी इनमें नहीं होगी। मतलब लड़का लड़की राजी है शादी के लिए तभी माना जाएगा जब उस प्रथा का, उस कस्टम का वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब कोई शहरी बंदा अगर इस बात को उठाए कि वहाँ पे जो प्रथा चल रही है ये तो बहुत गलत है, ये तो मतलब कि लड़की के साथ गलत है कि उसका अपहरण किया जा रहा है, और अपहरण हो गया तो हो सकता है वो मजबूरी में या फिर और किसी मतलब ऐसा कंडीशन हो कि वो अपने आप को बचा ना पाए अपहरण से और वो लड़का अपहरण करके ले गया, तो ऐसी कंडीशन में तो वो जबरदस्ती शादी के मत्थे चढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्लियर करता है जुरिस्प्रूडेंस कि नहीं, कस्टम जो है वो खुद भी लॉ का सोर्स है, और उस लॉ को मतलब खुद हमारा जो लॉ है पार्लियामेंट्री लॉ है वो भी उसको क्या कर रहा है, समर्थन दे रहा है, उससे उसको बल प्राप्त है। इस कारण से वैसी विधि को आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मतलब ये नहीं बोल सकते कि उसमें सप्तपदी नहीं हुआ है, सेक्शन 7 का फॉलो नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आप उसमें मतलब उंगली नहीं उठा सकते, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखना है, देखिए सामन का है, बेंथम का है, अलग अलग स्कूल में जब आप पढ़ेंगे तो उसको आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये क्या बोल रहा है, सामन क्या बोलता है कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ का औपचारिक ज्ञान है, ठीक है। फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ या फॉर्मल सॉरी इनफॉर्मल है, आप ध्यान रखिएगा, इनफॉर्मल अनौपचारिक, इनफॉर्मल साइंस। अब मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस कर दूं कि सीक्वेंस स्टडी ऑफ लॉ इज कॉल्ड जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है। जुरिस्प्रूडेंस को आप कैसे भी आगे पीछे पढ़ लीजिए, वो आपको सीक्वेंस स्टडी नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक। देखिए जैसे सिलेबस दिया है आपको वैसे ही पढ़ना है, सबसे पहले जो चीज दी गई है सबसे पहले आप मतलब इजी चीजों को, इजी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद ही आप उसके जो थोड़े डिफिकल्ट टर्म है उसको समझेंगे। इसलिए आपको सीक्वेंस स्टडी करनी है इसकी। सीक्वेंस स्टडी का मतलब, साइंस का मतलब मैंने बताया था, एक तो सीक्वेंस स्टडी करेंगे आप क्रमबद्ध अध्ययन, उसके अलावा जिस चीज का आप अध्ययन कर रहे हैं, जिन सिद्धांतों का आप जिन सिद्धांतों को समझना चाहते हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है, सुपरिभाषित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी नजर में उसकी परिभाषा कुछ और है, आपकी नजर में कुछ और है, छत्तीसगढ़ में कुछ और है, छत्तीसगढ़ से बाहर कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल थ्योरी इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। तो इसमें क्या है, सामान जैसे कि बोल रहे हैं जुरिस्प्रूडेंस क्या है कि इनफॉर्मल साइंस ऑफ लॉ या इनफॉर्मल साइंस ऑफ सिविल लॉ, ठीक। अब वहीं पे दूसरी चीजें अगर आप देखें तो जैसे सिविल लॉ को पहले आप देख लीजिए, सिविल लॉ क्या है कि जो नागरिकों के लिए बनाई गई विधि है वही सिविल लॉ है ना। इसके अलावा जो नागरिक नहीं है उनके लिए जो कानून बनाए जाते थे उनको कॉमन लॉ कहते थे, मतलब वो कॉमन पीपल पे लागू होते हैं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि सामन ने क्या कहा, उसके बाद हॉब्स ने, हीगल ने क्या कहा, ये सारी चीजें आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। इसलिए आपको बेसिक को समझना है कि कौन किस चीज को बोल रहा है, इसीलिए स्कूल को बांट दिया गया है जो 3 स्कूल मेनली हम पढ़ते हैं, एनालिटिकल स्कूल, उसके बाद फिर हिस्टोरिकल स्कूल ऐतिहासिक स्कूल, उसके बाद फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल मतलब कि सामाजिक जो शाखा है सामाजिक शाखा है विधि शास्त्र की। तो ये सारी चीजों में आपको यही पढ़ना है कि वो विधि को किससे कोरिलेट करते हैं। जैसे एनालिटिकल स्कूल क्या बोल रहा है कि उसमें हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, मतलब लॉ एज इट इज, लॉ जैसा है उसी को पढ़ना है, और लॉ कैसा होना चाहिए, व्हाट लॉ ऑट टू बी, उसको हम नहीं स्टडी कर रहे हैं इसमें, ठीक। मतलब कि कंपेयर हम किस चीज की कर रहे हैं कि जो वर्तमान विधि है वो सही है या नहीं है, मतलब कि उसको आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे, कंपेयर कर रहे हो सिर्फ दूसरी विधियों से, ठीक। तो इसमें जुरिस्प्रूडेंस की जो ये शाखा है उसमें ये भी आपको क्लियर होगा कि कौन सी विधि को हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि ऑस्टिन बोल रहा है कि इसमें सिर्फ विध्यात्मक विधियों का ही अध्ययन किया जाता है, अन्य विधियों का नहीं। अन्य विधि मतलब कि जो दूसरी विधियां हैं, इंटरनेशनल लॉ है या फिर क्या है, फैशन संबंधी लॉ है, तो ये सारी चीजें विधि शास्त्र का विषय नहीं है, ऐसा ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा देखिए कि ऑस्टिन को देखिए ताड़ का वृक्ष माना जाता है, ठीक है। सीके एलन ने कहा था कि वो ताड़ का वृक्ष है। फिर आल्पियन को देखें, वो रोमन जुरिस्ट है, वो बोलते हैं साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, मतलब कि उचित और अनुचित का विज्ञान, उचित और अनुचित का अध्ययन ही क्या है, जुरिस्प्रूडेंस है। तो इसमें आपको ये देखना है उचित और अनुचित क्या है,
तो ये चीज मैंने डिस्कस की थी कि हर जो चीज उचित है वो सही हो जरूरी नहीं है, और हर चीज जो सही है वो उचित भी हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए आगे हम और डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें आपको पढ़नी है। वैसे तो मैंने एनालिटिकल स्कूल स्टार्ट करके फिर ऑस्टिन वाली थ्योरी को समझा भी दिया था, उसमें जो क्रिटिसाइज हुआ था वो भी क्लियर कर दिया था। अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो को देखने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं तो वो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उसके लिए और क्लियर करने के लिए लेक्चर ला दूंगी। 20 मिनट हो गए हैं, मैं इससे ज्यादा का वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब आप लोगों की ज्यादा चिंता है कि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं मतलब इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकती। आप पहले समझ लीजिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो हम और अपना एफर्ट डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।